नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐतिहासिक मेलबर्न स्टेडियम में खेले जा रहे भारतीय टीम के लिए तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन उम्मीद के मुताबिक काफी ठीक रहा। भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 215 रन जोड़े। वहीं भारतीय टीम की सबसे बड़ी समस्या ओपनिंग जोड़ी का हल तीसरे टेस्ट में होता दिख रहा है। भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट मैच में ओपनिंग के लिए मयंक अग्रवाल और हनुमा विहारी को उतारा, जिसमें हनुमा विहारी का विकेट जल्द ही गिर गया, लेकिन मयंक अग्रवाल ने भारतीय टीम को सदी हुई शुरुआत दिलाने के साथ कई कीर्तिमान भी स्थापित किए, जिसके चलते टीम इंडिया के ओपनर मयंक अग्रवाल का डेब्यू करना कई मायनों में खास बन गया है। 27 वर्षीय मयंक टेस्ट क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 295वें क्रिकेटर बने। इसी के साथ ही मयंक ने एक खास उपलब्धि भी अपने नाम की। वो मेलबर्न में टेस्ट डेब्यू करने वाले टीम इंडिया के पहले क्रिकेटर बने। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर डेब्यू करने वाले मयंक दूसरे क्रिकेटर बने। इससे पहले 1947-48 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर आमिर इलाही ने टीम इंडिया की तरफ से डेब्यू किया था। इलाही भारत के 40वें टेस्ट क्रिकेटर बने थे। इसके अलावा मयंक विदेश में डेब्यू पारी में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले भारत के दूसरे सलामी बल्लेबाज बन गए हैं। मयंक ने 161 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 76 रन बनाए। विदेश में टेस्ट डेब्यू करते हुए सर्वाधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड सुधीर नायक के नाम दर्ज है। सुधीर ने 1974 में इंग्लैंड में ओपनिंग करते हुए 77 रन की पारी खेली थी। मयंक के 76 रन की वजह से महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। लिटिल मास्टर ने वेस्टइंडीज में 1971 में टेस्ट डेब्यू करते हुए 67 रन की पारी खेली। इसके अलावा मयंक अग्रवाल ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू टेस्ट में अर्धशतक जमाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने। इससे पहले दत्तू पहाड़कर ने 1947 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 51 रनों की पारी खेली थी। आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल को केएल राहुल और मुरली विजय के खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर होने के बाद डेब्यू का मौका मिला। इससे पहले पृथ्वी शॉ भी चोटिल हुए, जिसके बाद मयंक अग्रवाल के नाम पर विचार किया गया था।